चाले आऊंगी आपके और आपकी खा नहीं जाऊंगी मामी आप एकदम एग्जैक्टली देखिए अगर तो ये वाले ज्यादा सही लगेंगे मेरे से आप तो कुछ बोलते ही ना तो चुप मेरे के लिए ना मैं ना आपकी भाभी के रूम में गई थी वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनसे पूछा मैंने कहा देखा कि कोई तैयार हो रहा है नहीं हो रहा है मैंने जैसे उनके रूम में घुसी उनके रूम में देखा सब तैयार बैठे हैं मैंने कहा मुझे भी बता देते मैं भी तैयार हो जाती मैं तो आपके इंतजार में बैठी थी बोली मुझे क्या लगा मुझे लगा तुम सो रही होगी मैं सोती रहती हूँ क्या नहीं मेरे पास कोई और काम नहीं है सोने के सब चाले हैं इनकी आपके और आपकी भाभी की सब चाले हैं अरे आप नहीं जानते हो ठीक है उस दिन ये रिया आई मेरे पास मेरे से बोलती मामी मुझे ना अपना आईलाइनर दे दो मैंने कहा ठीक है ले लो तो मैंने कहा मुझे भी दे देना क्योंकि मुझे भी तैयार होना है तो फिर मैं भी यूज कर लूंगी तो बोलती क्या मैं खा नहीं जाऊंगी मामी आपका आईलाइनर क्या सिखा क्या रहे हैं ये लोग अपने बच्चों को ऐसे बड़ों से मुंहजवानी करना सिखा रहे हैं क्या उस दिन मैंने आपसे क्या बोला था मैंने बोला था कि जो भाभी है अपना परफॉर्मेंस पहले चलिए मेरे लिए ए टू जेड सारी चालें हैं इनके पास सारी चालें हमारे मायके में ऐसा नहीं होता है हमारे मायके में तो सब कुछ एग्जैक्टली सही होता है और पता है हमारे मायके में तो हमारी मम्मी की बहनें मतलब सब ऐसे प्यार से एकदम हम साथ साथ है वाली फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ पता नहीं मेरी किस मेरी तरफ भी देख लिया करो बताओ ये वाले ज़्यादा सही लगेंगे मेरे ऊपर या फिर ये मैं अभी आपके भाभी के रूम में गई थी वहाँ पे मैंने बस ये बोल दिया कि मुझे ड्रायर की ज़रूरत है मुझे ड्रायर दे दो मुझे स्ट्रेटनर की ज़रूरत है मुझे स्ट्रेटनर दे दो तो बोलते क्या आपके भाभी के बच्चे चाची यहीं पे कर लो मुझे भी करना है ना इसके बाद हमें भी करना है ये बताओ आप मुझे ये क्या चालें मुझे समझ में नहीं आती हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये चाची चाची कहते हैं ये सब ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं और इनको स्ट्रेटनर की ज़रूरत पड़ेगी आपकी भाभी ने मना कर रखा होगा अपने बच्चों से कि जब भी चाची कुछ भी मांगे बहाना बना देना बताओ बहाने सिखा रही हैं अपने बच्चों को ये आपको आपको तो कुछ समझ में आना नहीं है चालें चलते हैं ये सब ये शादी एक बार हो जाने दो भैया की शादी हो जाने दो एक बार फिर मैं सबको बताऊंगी मतलब इनकी स्ट्रेट हेयर है ये केराटिन स्मूथनिंग पता नहीं क्या क्या करवाई हुई है उसके बाद भी इन्हें स्ट्रेटनर चाहिए बाल सीधे करने के लिए नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या सब समझ में आता है मुझे एक बार ये शादी निपट जाने दो कोई बात नहीं सब सब एक एक चीज का बदला लूंगी आप तो कुछ बोलते नहीं आप तो चुप मेरे किसी के सामने स्टैंड नहीं लेते हो सब चाले आपकी भाभी की एक बार ये शादी निपट जाने दो मुझे घर जाना है